अर्नव बहुत डरा हुआ था। वो पूरी तेजी से हाईवे पर कार दौड़ा रहा था। कार की बैक सीट पर बैठी उसकी पत्नी और बेटी का भी डर के मारे बुरा हाल था। न जाने वो लोग किससे भाग रहे थे। आखिर में बहुत दूर निकल जाने के बाद अर्नव ने कार की ब्रेक लगाई। कार के रुकते ही उसने एक राहत भरी सांस ली। तभी अचानक उसकी कार की बोनट पर धम से एक आदमी आ गिरा। उसके खून के छींटे पूरे विंडशील्ड पर बिखर गए। एक पल के लिए अर्नव की तो जैसे सांसें ही रुक गई। आखिर वो आदमी था कौन? सुबह सुबह अर्नव के दोस्त मयंक ने उसे एक खूबसूरत झील की लोकेशन भेजी, जहां वो एक दिन पहले ही पहुंच गया था। अर्नव देरी ना करते हुए तुरंत अपनी पत्नी अंजलि और बेटी दीप्ति को लेकर उस झील पर एक शॉर्ट ट्रिप के लिए निकल गया। 2-3 घंटे ड्राइविंग करने के बाद वो लोग झील वाली जगह पर पहुंच गए। वाओ अर्नव, कितनी खूबसूरत झील है। हाँ अंजलि, सही कहा तुमने। चलो हम लोग इस झील के साथ एक दीप्ति की फोटो लेते हैं। दीप्ति झील के पास खड़ी हो गई। अर्नव ने अपनी जेब से फोन निकालकर दीप्ति की जैसे ही एक फोटो क्लिक की, तभी पीछे से एक आदमी आया। रुको, क्या तुमने वो साइन बोर्ड नहीं पढ़ा? उसमें साफ साफ लिखा है कि इस जगह पर फोटो खींचना मना है। ये सुनकर अर्नव ने अपना फोन देखे बिना ही उसे अपनी जेब में रख लिया। क्यों भाई, आखिर यहाँ पर फोटो खींचने में परेशानी ही क्या है? ये जानकर क्या करोगे, बस इस नियम का पालन करो, उसी में तुम लोगों की भलाई है। मेरी बात मानो तो शाम होने से पहले इस जगह को छोड़कर चले जाना, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। ये कहकर वो आदमी चला गया। अंजलि, ये आदमी तो बड़ा ही अजीब था, लेकिन वो किस खतरे के बारे में बात कर रहा था? खैर छोड़ो, चलो मैं तुम लोगों को मयंक से मिलवाता हूँ। अर्नव अपनी पत्नी और बेटी को लेकर झील के पास बने एक कॉटेज में आया। कॉटेज के बाहर उन्हें वही आदमी मिला। आप लोग अभी तक गए नहीं? भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत दूर से यहाँ घूमने आए हैं। जब हमारी मर्जी होगी तो चले जाएंगे, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? अरे बिगड़ते क्यों है साहब, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मेरी बात मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। वैसे मेरा नाम राम सिंह है, मैं इस कॉटेज की देखरेख करता हूँ। ठीक है ठीक है, ये बताओ क्या यहाँ कोई मयंक नाम का आदमी ठहरा हुआ है? आप उस फोटोग्राफर की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा दोस्त मयंक एक फोटोग्राफर है, क्या आप उसे जानते हैं? आपके आने से पहले मैंने उसे झील के किनारे फोटो खींचते हुए देखा था। मैंने उसे बहुत मना किया कि इस झील की फोटो मत खींचो, लेकिन वो नहीं माना और खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। अब उसे ढूंढना फिजूल है। अपनी बकवास बंद करो, वो यहीं आसपास ही कहीं होगा, मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। अर्नव ने मयंक को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल निकाला। तभी फोन पर सबसे पहले उसे दीप्ति की खींची हुई वो फोटो दिखी। फोटो में दीप्ति तो थी ही, लेकिन उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसका चेहरा जला हुआ था और उसका हाथ दीप्ति के कंधे पर था। उस फोटो को देखकर अर्नव के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसका मुस्कुराता चेहरा चिंता में बदल गया। वो जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर जाने की सोचने लगा। अंजलि चलो यहाँ से, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। ये कहकर अर्नव अंजलि और दीप्ति को लेकर अपने कार में बैठ गया और कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई। अरे अब न जाने इस कार को क्या हो गया है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लेकिन अर्नव तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्नव ने अंजलि को वो फोटो दिखाई। फोटो देखकर अंजलि हक्की बक्की रह गई। अर्नव आखिर ये औरत है कौन? पता नहीं अंजलि, मुझे लगता है राम सिंह हमें इसी खतरे से सतर्क करना चाहता था। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन ये कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अंजलि तुम ड्राइविंग सीट पर बैठो और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहना,
अगर कार स्टार्ट हो गई तो तुम दीप्ति को लेकर यहाँ से निकल जाना। मैं राम सिंह को मदद के लिए बुलाता हूँ। ये कहकर अर्णव वहां से निकल गया। अंजलि ड्राइविंग सीट पर बैठी कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नजर कार की रियर व्यू मिरर पर पड़ी। उसने देखा कि कार की पिछली सीट पर दीप्ति के साथ वो चुड़ैल बैठी हुई थी। अंजलि उसे देखकर डर के मारे कांप उठी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मेरी बेटी अब मेरे कब्जे में है। मैं इसे मार डालूंगी। ये सुनते ही अंजलि तुरंत दीप्ति को लेकर कॉटेज की तरफ भागी। कॉटेज में अर्णव और राम सिंह उन्हें मिले। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अर्णव, मैंने उस चुड़ैल को देखा। वो दीप्ति के साथ कार में थी। उसने कहा कि वो दीप्ति को मारना चाहती है। क्या? राम सिंह, हमें बताओ आखिर वो चुड़ैल है कौन और वो दीप्ति के पीछे क्यों पड़ी है? राम सिंह रोते हुए बोला, वो चुड़ैल कोई और नहीं, मेरी बेटी माया है। आज से 3 साल पहले मैं और मेरी बेटी इस कॉटेज की देखभाल किया करते थे। इस कॉटेज का मालिक विक्रम, वो भी यहीं पर रहता था। उसकी मेरी बेटी पर गंदी नजर थी। वो हर वक्त उसकी फोटो लिया करता था। मेरी बेटी को उसकी गंदी नीयत का पता नहीं चल सका। एक दिन वो फोटो खींचने के बहाने माया को झील के पास ले गया और माया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। माया ने उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। तब उस जालिम ने मेरी बेटी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। मेरी बेटी दर्द से तड़पती रही और वो जालिम उसकी फोटो खींचता रहा। आखिर में माया ने जेल में कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकने लगी। उसने विक्रम को मारकर उससे अपना बदला तो ले लिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। जो भी उस झील के साथ अपनी फोटो खींचता है, माया उसे मार डालती है। और आज तुम लोगों ने भी वही गलती कर दी है। अब वो तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेगी। अर्णव और अंजलि राम सिंह के आगे गिड़गिड़ाने लगे। राम सिंह, अब तुम ही अपनी बेटी माया को रोक सकते हो। मेरी बेटी को उससे बचा लो। माया अब मेरे बस में नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी उस फोटो के जरिए माया से जुड़ी हुई है। अगर तुम अपना फोन जला दो तो वो तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन मेरा फोन तो कार में ही है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। अर्णव जल्दी अपनी कार की तरफ भागा और कार से अपना फोन उठा लिया। वो फोन लेकर कॉटेज की तरफ भागने लगा। तभी उस चुड़ैल ने अर्णव का पैर पकड़ लिया और उसे खींचती हुई झील की तरफ ले जाने लगी। अर्णव ने अपना मोबाइल राम सिंह की तरफ फेंक दिया। राम सिंह ने जल्दी उस फोन को जला दिया, जिससे चुड़ैल शांत हो गई और वहां से गायब हो गई। अर्णव तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से निकल गया। अर्णव जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंचना चाहता था, इसलिए वो पूरी तेजी से कार भगा रहा था। आखिर कार लेकर वो उस खूनी झील से दूर निकल आया। अर्णव ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसकी कार की बोनट पर धम से एक आदमी आकर गिरा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्णव का दोस्त मयंक था। भानगढ़ का नाम तो आप सभी ने सुना है, देश ही नहीं दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड साइट्स में से एक है भानगढ़ का किला। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किला भूतिया कैसे बना? कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमें करना पड़ा। मैं विनय
और मेरे दोस्त चारू और रोहित। यार ये किला तो कमाल है, पता नहीं लोग इसे भूतिया क्यों कहते हैं। कुछ नहीं, बस गांव वालों के एंटरटेनमेंट की स्टोरीज हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं मानता। बस हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों मेरे ख्याल में अब हमें इस किले से बाहर निकल जाना चाहिए। अड्डू है क्या, आज रात यही रुकते? आखिर हमें भी तो पता लगे भैया कि ऐसा क्या है इस किले में जो से भूतिया बनाता है। वहाँ सामने क्या है, चलो चलकर देखते हैं। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै, ओम त्र्यंबकम् यजामहे, ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाए विच्चै। अब वो खूबसूरत राजकुमारी मेरे वश में होगी और मैं इतने सालों की अपनी हसरत पूरी करूंगा। मेरे अंदर की हवस राजकुमारी को अपनी बाहों में भरने को बेताब है। बाजार की रौनक देखकर लग रहा था मानो कोई त्योहार है। सभी अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। एक लड़की इत्र खरीदने आई थी, कोई आम इत्र नहीं बल्कि शाही इत्र। राजकुमारी ने शाही इत्र मंगवाया है। दुकानदार इत्र की बोतल, वही जो तांत्रिक के हाथ में थी, देता है और लड़की महल में चली गई। वो लड़की बोतल राजकुमारी को देने ही वाली थी तभी। ये इत्र कहाँ से लाई हो? उसी व्यापारी से जिससे हमेशा लाती हूँ, लेकिन आज इसमें कुछ अलग है, कुछ रहस्यमय। इसे फेंक दो। बोतल पत्थर पर गिरी और फूट गई। सारा इत्र पत्थर पर उतर तांत्रिक। अब तक तो वो राजकुमारी ने इत्र लगा लिया होगा, अब वो राजकुमारी सीधे मेरे पास खिंची चली आएगी। सीधे मेरे सीने पर लग जाएगी। इधर इत्र वाला पत्थर उड़ता हुआ आया और तांत्रिक उसे देखता रहा और उसकी छाती पर पत्थर लगा। तांत्रिक मर रहा है। मेरे साथ धोखा, मैं सिर्फ ये शरीर छोड़ रहा हूँ। उस राजकुमारी को पाने की हवस दई, मैं इंतकाम लूंगा, वापस लौटूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। माहौल एकदम उत्सव वाला था, सारा शहर सजा था। वर वधु का मंगल सूत्र पहनाए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किस पाप की सजा दी है मुझे? मेरा तो जीवन ही तबाह हो गया। तूने मेरी इच्छा का पान करके अच्छा नहीं किया था राजकुमारी। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, जो भी तेरे करीब आएगा उसे ऐसे ही मरना होगा। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं तो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई, अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। राजकुमारी हवन में बैठ गई और चलने लगी। माँ बाप रो रहे। इंतकाम की आग परसों तक चली हुई साग में, अब होगी इंतकाम। ओए, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना ड्रामा क्वीन? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। तेज हवाएं पत्ते और कुछ चीजें उड़ने लगी। हवा गोल घूम रही है,
कुछ ऐसे ही फिर तांत्रिक प्रकट हुआ। जन्मों जन्मों का प्यासा है जिस्म मेरा, तुम्हारे इंतजार में तड़प रहा था, आखिर तुम्हें आना ही पड़ा राजकुमारी। हमारे सामने एक बहुत ही भयानक और विशाल काय जल्लाद खड़ा था, लेकिन वो राजकुमारी किसे कह रहा था? क्या जादू को? जन्मों पुराने जख्मों को फिर से पूरे दाए तूने, अब इस किले में सैलाब आएगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं और रोहित कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि चारू को अचानक क्या हुआ है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों कोने में जा गए। यही इत्र मेरी दवाई का कारण था ना? इसी इत्र के सहारे तूने मेरे जिस्म को पाने की कोशिश की थी ना? मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, इसलिए इस किले में इतनी सदियों से भटक रहा था, लेकिन अब तुझ पर काबू करके मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तांत्रिक चारू पर भारी पड़ा और उसे पीछे से पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही फिर राजकुमारी के हाथ से वो इत्र की बोतल तांत्रिक के ऊपर गिरी और वो तड़पने लगा। तुरा अच्छा नहीं किया राजकुमारी, मैं अब भी यही भटकता रहूंगा, तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ तेरा अंत होगा। ये कोई आम जल नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत का जल है। तेरी हवस भी तेरे साथ ही जलकर भस्म होगी। तांत्रिक मर चुका था और मुझे और रोहित को उस अंधेरे किले में अपने सामने एक डायन खड़ी दिखाई दे रही थी। पहले वह हमारी दोस्त थी, लेकिन अब उसका भयानक रूप और गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर हम दोनों बुरी हालत में थे। तभी वो डायन हमारी तरफ बढ़ी और डरावनी आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना। यह जगह अगले कुछ सालों तक शापित है। 70 साल बाद आने वाली सावन की पूर्णिमा को यह जगह श्राप मुक्त होगी और मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर वो डायन अंधेरे में कहीं ओझल हो गई। हम दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उस किले से बाहर निकले। उस रात हमने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त को खो दिया, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इतने भयानक मंजर से हम जिंदा वापस लौटे थे। कुछ लोगों के लिए भूत होते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास अब एक वजह थी। जमींदार हरिहर सिंह की हवेली में बड़ी गहमा गहमी थी। पूरी हवेली रंगीन बल्बों की रोशनी से नहाई हुई थी। जमींदार की इकलौती बेटी पूनम की शादी थी। पूनम अपने कमरे में दुल्हन के जोड़े में सजी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बार बार शीशे में खुद को निहार रही थी। कितनी बार अपने आप को निहारोगी? इतनी सुंदर लग रही हो कि जीजा जी तो देखते रह जाएंगे। जैसे ही बैंड की आवाज सुनाई पड़ी, सभी सहेलियां पारा देखने जाने लगी। रुक जा, मैं भी चलूंगी। चुप कर, तू अपने गहने पहन, श्रृंगार पूरा कर, हम जरा देख के आते हैं कि बाराती कैसे हैं। कहीं शंकर जी जैसी बारात तो नहीं है? सारी सहेलियां और बहनें हंसती खिलखिलाती चली गई। जब सभी लोग उस कमरे में वापस आए तो देखा कि पूनम बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। लग रहा था कि उसके पेट में किसी ने बड़ी बेरहमी से चाकुओं से वार किया था। पूरे घर में कोहराम मच गया। किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे और क्यों हो गया। जमींदार हरिहर सिंह ने जैसे ही ये सुना, वो भागे हुए आए। आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। तुम वैसे किसी को भी कुछ मालूम है क्या? या कोई आया? कोई नौकर, कोई अजनबी, कोई भी? नहीं, कोई नहीं आया था। वह तो बहुत खुश थी, बल्कि जब हम बारात देखने जा रहे थे तो वो भी जाना चाहती थी।
भारत लौटा दो। जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। लगता है किसी से दुश्मनी नहीं होगी। अरे उस बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। अरे भाई पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, खुद ही मालूम पड़ जाएगा। भाई ये भगवान मेरी बिटिया की शादी बिना अड़चन के हो जाए। एक हफ्ते बाद ही चौधरी के घर उनकी बेटी सुधा की बारात आने वाली थी। चौधरी घर की सारी औरतों को सख्त हिदायत देते हुए सुधा को कतई अकेले ना छोड़ जाए, समझी। सुधा तैयार होकर बैठी थी, सभी सहेलियां उसको छेड़ रही थी। जैसे ही बारात आई उसकी बहन राधा को छोड़कर सब भागी। अचानक खिड़की के पल्ले जोर जोर से खड़खड़ाने लगे और दरवाजा भड़ाक की आवाज से खुल गया। राधा उसको बंद करने के लिए गई तो बाहर ही रह गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राधा की लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अंदर सुधा की चीख गूंजती रही पर बैंड बाजे के शोर में दब गई। राधा नीचे की तरफ भागी। पिताजी जल्दी चलिए, सुधा दीदी का कमरा अंदर से बंद हो गया है और खुल नहीं रहा है। जब तक सब ऊपर आते सुधा का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा बह रहा था। लगता है किसी धारदार चीज से उसकी गर्दन काटी गई है। पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। पुलिस आई। चौधरी आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, लड़की का कोई और चक्कर तो नहीं था। नहीं नहीं ये शादी तो उसी की सहमति से हो रही थी भाई साहब। एक के बाद एक इस गांव में दो दो मर्डर हो गए, वो भी उस समय जब लड़की बिल्कुल दुल्हन बनी तैयार बैठी हो। कुछ अजीब चक्कर है। पुलिस अपनी कार्यवाही पूरी करके चली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। एक महीने बाद सरपंच दीनदयाल की छोटी बेटी तारा की शादी थी। ऐसा सख्त पैरा बैठाऊंगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तारा के सिर पर जैसे ही लाल ओढ़नी डाली गई तुरंत पूरे घर की लाइट चली गई। एकदम से हड़कंप मच गया। जब तक लालटेन और टॉर्च लेकर लोग आते तारा की पीठ में छुरा मारकर वो जा चुका था। मासूम तारा की आंखें पथरा गई थी और निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया था। ये जरूर किसी एक आदमी का काम है। कौन है जो हमारी बच्चियों को इतनी निर्दयता से मार रहा है। उस गांव में अब कोई शादी नहीं होती है। सब लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं। मेरी मानिए तो अब जो भी शादी होनी है वो गांव के दुर्गा मंदिर में होगी। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। रामलखन यादव की बेटी कंचन की शादी गांव के दुर्गा मंदिर में होनी तय हुई। सारी तैयारियां हो गई, शादी हो गई। विदा के बाद जब दुल्हन को मंदिर के बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठाया गया तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। तब तक हवा में एक चीख गूंजी और कंचन का शरीर गाड़ी की सीट पर ही लुढ़क गया था। इस बार चाकू उसके सीने में मारा गया था। ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी शैतान की हरकत है। तभी तो मंदिर के भीतर कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय एक भयानक अट्टाहस आवाज गूंजी। हाँ, मैं शैतान हूँ। अभी जब तक सारे गांव की बेटियों का खून नहीं कर दूंगी मेरी प्यास नहीं बुझेगी। सब लोग डर के ऊपर देखने लगते हैं। पेड़ पर एक चुड़ैल लाल जोड़े में सजी धजी बैठी थी।
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने तुम्हारा, क्यों मार दिया तुमने उसको? मैं भी अपने बाप की लाडली थी, सब मुझे चंपा कहते थे क्योंकि माँ कहती थी तेरा रंग बिल्कुल चप्पाई है, इसीलिए तेरी दादी ने यही नाम रखा है। बड़े अरमानों से मेरे बापू ने मेरा ब्याह करना चाहा था, पर तुम सबने मेरी शादी के ही दिन मुझे मेरे गांव से उठवा लिया और मेरे साथ जबरदस्ती भी की, फिर मेरी बोटी बोटी करके अपने गांव की उत्तर दिशा वाले कुएं में डाल दिया जहां कोई जाता ही नहीं था। भूल गए? मैंने कुछ भी नहीं किया था, काली गाड़ी चला रहा था वो तो। चुप हो जाओ, गुनहगार का साथ देना भी गुनाह है। तुम्हारी बेटी की तो सिर्फ मैंने जान ही ली है, अब क्यों रो रहे हो? उस बात को तो 2 साल हो गए, अब मैं माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। सभी गुनेगार चौधरी सरपंच और जमींदार हरिहर खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे। अचानक वो पेड़ से कूदी और जमींदार की तरफ लपकी। तू सबसे बड़ा पापी है, तूने सबके साथ मिलकर मेरी जिंदगी तबाह की और मुझे बोटी बोटी काट डाला, पुलिस को भी पैसा गिलाकर सारा मामला रफा दफा करवा दिया। वो जमींदार को गिराकर उसके सीने पर सवार हो गई और अपनी दांतों को उसकी खोपड़ी में थसाकर खून पीने लगी। वो थोड़ी देर छटपटाया, फिर उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, तूने ही तो सबसे पहले मेरे अरमानों का गला घोटा था। जब मैं गिड़गिड़ाई थी तो तू ठहाके लगा रहा था, ठहर जा। सरपंच को ठोकर लगी, वो गिर पड़ा और चुड़ैल उसकी पीठ पर दांत थंसाकर उसका खून पी गई। उसका ये भयानक रूप देखकर सभी लोग डर के मारे स्तब्ध हो गए। अब वो चौधरी की ओर घूम आई। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं। हाँ हाँ, दोषी तो मैं थी जो तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में मरोड़ दी। चौधरी ने भी अंतिम सांस ली। मुझे मत देखो, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो लोगों के कहने पर सिर्फ तुम्हें अगवा किया था। मेरे कमरे में से मुझे तू ही उठाकर लाया था ना, मेरी माँ कितना रोई थी, तूने अपने जूते की नोक से मेरी माँ के मुंह पे ही दे मारा था। तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। मेरे बापू और मेरी माँ ने इसी दुख में अपनी जान दे दी थी। उसने उसकी दोनों टांगे पकड़कर चीर दी। गांव वालों, आज से याद रखना, किसी भी बहू बेटियों पर बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। यह कहकर वो सिसकियां लेने लगी। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, हमें माफ कर दो, अब तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। अगर तुम अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो, शादी में कभी लाल जोड़ा मत पहनाना, उसको देखते ही मेरा खून खोल जाता है। ठीक है ठीक है। गांव में हर लड़की की शादी के पहले उस उत्तर दिशा वाले कुएं पर लड़की को लाकर उसमें झांकने को बोलना। ठीक है ठीक है। अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा, तुमने ठीक पहचाना था, मैं शैतान ही बन गई हूँ। मेरी आत्मा कब तक भटकती रहेगी मुझे खुद नहीं पता। अब तुम्हारे गांव के सारे पापी चले गए हैं, सब लोग चले जाओ। इस गांव में ऐसे ऐसे जल्लाद बैठे थे, कोई नहीं जानता था। गांव वाले वापस आ गए। अब जब भी उस गांव में किसी की शादी होती है तो लड़की लाल जोड़ा नहीं पहनती, शादी से पहले कुएं पर जाकर उसमें झांकती है और अपने विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती है। वो चुड़ैल उस गांव में कभी नहीं दिखाई दी, उसका बदला पूरा हो गया था।